हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है अमृतसरी कुलचे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमें अमृतसरी कुलचे बनाने के लिए सबसे पहले लगेगा 250 ग्राम मैदा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद अब हम डालेंगे 2 टीस्पून घी। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे घी यूज़ करा है। अब इसको अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। इसे आप जितना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ये उतने ज़्यादा बैटर बनेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून दही डाल रहे हैं और फिर इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से आटा गूंथ के एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। अब आप कुछ इस तरीके से आटे को गूंदिए और इसमें बटर अप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे जिससे हमारे कुलचे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखिए, मैंने एक बार बटर अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसे फोल्ड करके फिर से दूसरे साइड से बटर लगा रही हूँ। इसी तरीके से आप यही प्रोसेस 2 से 3 बार रिपीट करिए। बटर लगाते टाइम बहुत मोटी लेयर मत लगाइए बटर की, पतली पतली बटर की 2-3 लेयर लगा दीजिए। और यहाँ हमारा डो बन के तैयार है। अब हम इस डो को 15 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, जब तक हम अपने कुलचे के लिए आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। अमृतसरी कुलचे की सबसे ख़ास बात होती है कि इसके अंदर आलू की स्टफिंग भरी जाती है। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। अब इसमें अनियंस ऐड कर रही हूँ, 1 ग्रीन चिली। अब सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम यहाँ पर जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास जीरा पाउडर नहीं है तो आप जीरे को सेक के मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद चाट मसाला और आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे आलू यहाँ पर देखने में भले ही सादे लग रहे हैं, लेकिन बिलीव मी, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब हम यहाँ पे एक चकला लेंगे, उसके ऊपर मैदा थोड़ा छिड़क दीजिए जिससे हमारा कुलचा चिपके नहीं। यहाँ मुझसे एक क्लिप मिसप्लेस हो गई है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। थोड़ा सा बेलने के बाद हम अपनी लोई को उसमें आलू की स्टफिंग भरेंगे, जिस तरीके से हम आलू के पराठे में भरते हैं, और इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। कुछ इस तरीके से हम अपने कुलचे को बेल के तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपना तवा गरम करेंगे। ये याद रखिए, आप लोहे का तवा ही यूज़ करें जिससे कुलचे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पे कुलचों में एक साइड पे पानी लगा दीजिए जिससे वो तवे पे चिपक जाए, और उसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर स्प्रिंकल कर दीजिए और उसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से सिकने दीजिए। इसे दोनों साइड से हम अच्छे तरीके से सेक लेंगे, जैसे वीडियो में दिख रहा है। जब इस तरह का हमारा कुलचा हो जाए तब समझ जाइएगा कि हमारे कुलचे बन के तैयार हो गया है। यह मुझे इस कुलचे को पकाने में 2 से 3 मिनट लगे थे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट तक पकाइए, उससे ज़्यादा मत पकाना वरना वो जल सकते हैं। अब यहाँ हमारे कुलचे पक चुके हैं और अब हम इसमें अच्छे तरीके से बटर लगा रहे हैं। इस टाइम पे आप बटर अच्छे तरीके से भर भर के लगाइए जिससे कुलचे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और बहुत एनहेंस हो जाएगा। अब दोनों तरफ इसी तरीके से बटर अप्लाई कर लीजिए और यहाँ हमारे कुलचे बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, इसको बटर लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दोनों तरफ से दबा दीजिए और यहाँ हमारे कुलचे बनके तैयार हो जाएंगे। इसे आप गर्मा गर्म छोले के साथ सर्व कीजिए। मैंने छोले की रेसिपी भी अपने चैनल पे अपलोड की है, आप उसे देख सकते हैं। ये रही हमारी फाइनल डिश। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।